और अब ये मान सम्मान और ये पैसे जो यूट्यूब से आप लोगों ने, आप लोगों की बदौलत मुझे मिले हैं। लो मम्मी पापा, ये मेरे यूट्यूब की कमाई है, पहली आई है इस बार, और ये मिठाई का डिब्बा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल, सभी को प्यार भरा नमस्कार, हर हर महादेव। जी साथियों, आज सुबह के 8 बज चुके हैं और चेहरे पे खुशी आप लोगों को अलग ही दिख रही होगी। और ये खुशी क्यों है, क्या कारण है इसका, कुछ भाई लोग तो थंबनेल को, टाइटल को देख के समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से आज की सारी बातें साझा करूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि जो भी मुझे मिला है वो सब आप लोगों की बदौलत है। और भाई लोगों, ये आपका मान सम्मान, ये प्यार है जो आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है आप लोगों ने, और मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ आप सभी का वो कम रहेगा। तो दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं, दिन भर की आज की प्रक्रिया थोड़ी सी हार्ड होने वाली है। अभी मैं रेडी होता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे ही 10 बजेंगे तो फिर उसके बाद हम निकलते हैं बैंक। जी हाँ, बैंक निकलेंगे और अपने आज की जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ साथ आज आप ये पूरी वीडियो का आनंद लीजिए, और क्या खास था, क्यों इतनी खुशी थी, ये भी आप जान लीजिए। और फाइनली गाइज, हम लोग हो चुके हैं रेडी। एक भाई को मैंने और बुलाया है, उस भाई को भी आपने जरूर मेरे सॉन्ग में किसी ना किसी में जरूर देखा होगा, जिस गाने में भी आपने देखा होगा तो वीडियो में कमेंट जरूर करना। चलो उस भाई से भी मिलाते हैं और निकलते हैं अपने बैंक की ओर। इन भाई साहब को जरूर आपने मेरे किसी सॉन्ग में देखा होगा। दोस्तों, निकल चुके हैं हम बैंक की ओर, दोनों भाई जा रहे हैं साथ में, और बहुत खुशी है आज, अलग ही एक्साइटमेंट है, और वो जल्द ही पूरी होगी इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग देखना लास्ट तक। भाई लोगों, बैंक में मैं पहुंच चुका हूं, अब जा रहा हूं अंदर और मैनेजर जी से मिलकर सारी बातें करेंगे। भाई साहब, चेहरे की खुशी अलग ही है, मेरी भी और भाई की भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन भाई को आपने जरूर कहीं देखा होगा, किस गाने में देखा है देख के आप जरूर कमेंट करना। तो कैसा लग रहा है भाई साहब आज आपको? अच्छा लग रहा है, गिनती भूल जाऊँ। फाइनली गाइज, बहुत अच्छा लगा बैंक में आके, और जो भाई थे ना एज ए मैनेजर, भाई साहब नेचर के बहुत अच्छे। भाई मैनेजर कैसे थे? एकदम जेन्युइन बंदा था, बिल्कुल जेन्युइन। बहुत ही अच्छा भाई ने हमें बताया, समझाया, और कब पेमेंट आई थी, कितनी आई, सब चीज़ें हमें बताई डिटेल में, और पेमेंट आपने देख ही लिया, भली बात ही हमने निकाल लिया है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है दिमाग में कि क्या क्या करूं, जितने मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं उनकी पार्टी कराऊं या जैसे भी कैसे, लेकिन अब देखते हैं, मैन डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। और एक मेरे मन में यह आ रहा है कि ये पहली कमाई, यूट्यूब की कमाई, मैं ले जाके अपने पेरेंट्स को, मम्मी के हाथ में या पापा के हाथ में दूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी यही सजेस्ट करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उम्मीद है आप लोगों से, ऐसे जुड़े रहिए। और भाई की स्माइल भी देखिए, अभी हम जा रहे हैं जूस पीने, बच्चों की हो चुकी है छुट्टियां, कभी हम भी यहीं खड़े होते थे ऐसे ही, और इस इंतज़ार में रहते थे कि कोई ट्रैक्टर आए, कोई बाइक वाला आए और हमें बिठा के ले जाए। और फाइनली गाइस, हम लोग अपने घर आ चुके हैं, बिकॉज़ वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई लेडीज थी, उसको थोड़ा गर्मी के कारण चक्कर वक्कर आ गए थे, थोड़ा वहाँ की कंडीशन ख़राब हो गई थी जहाँ हम जूस पीने गए थे, तो वहाँ हमने वीडियो बनानी उचित नहीं समझी, और आप भी समझदार हो कि वहाँ वीडियो बनानी चाहिए थी या नहीं। लेकिन अभी घर आ चुके हैं, और जैसा कि डिसीजन मैंने लिया था कि ये पहली यूट्यूब की पेमेंट मम्मी पापा के हाथ में जा रही है, तो चलिए आइए, आपको उनसे भी रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, अभी तो मम्मी पापा है नहीं इधर, क्योंकि उधर घेर में गए हुए हैं, और मैं आपसे बता दूं कि हमने दूसरी साइड में भी अपने मकान बनाए थे, तो लगभग उधर की चिनाई कंप्लीट हो चुकी है, तो उधर भी अपना रहने का ठिकाना हो चुका है, तो अभी मम्मी पापा उधर गए हुए हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि इस मुकाम तक मैं कैसे पहुंचा, क्या क्या स्ट्रगल हमने किए थे। तो सबसे पहले तो मेरा एक यूट्यूब चैनल था, पीके तेजा फिल्म्स, जी हाँ, उस पर मैं कॉमेडी वीडियो बनाता था, और शॉर्ट मूवी के तौर पर वो आपको देखने को मिलती थी। मैं हूँ रामू सरदार, जिसके ऊपर गांव की पंचायत ने पूरा 2 किलो इमरती का इनाम रखा है रे। कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हुआ भी, और वो चैनल भी हमारा मोनेटाइज हुआ था, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद वो मोनेटाइज हुआ था। और फिर दूसरे नंबर पे मैंने ये बनाया था यूट्यूब चैनल तेजा फॉर व्लॉग के नाम से, तो इस पे मुझे भाई आप लोगों की बदौलत शख्सियत मिली, और जो शख्सियत है आज आपके सामने है। और इस व्लॉग चैनल पे मैंने क्या क्या स्ट्रगल किए ये भी आप देख लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, कैसे हो आप?
अच्छे हैं। कहाँ से हो आप? आजमगढ़ से। अब जाने का मन किसको रहेगा ऐसे जगह में, आगे नेचर को कोई छोड़ के जाना चाहेगा? जी हाँ, पहले मैंने इस पे व्लॉग बनाए और फिर उसके बाद मैंने इस पे अपने प्रोफेशनली सॉन्ग बनाने स्टार्ट किए, वो भी आप देखिए। तो दोस्तों ये बताना चाहता हूँ आपको कि पहले मैंने अपने पीके तेजा फिल्म से यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो, कॉमेडी वीडियो बनाई थी, जो ज़्यादा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद कुछ दिनों तक मैंने प्रैंक शूट किए, तो प्रैंक वीडियो आपके बीच डाली, उन पर नॉर्मली कुछ रिस्पॉन्स मिला, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो कोई काफ़ी हद तक सटीक है। फिर उसके बावजूद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो उसके लिए मैंने ये तेजा फॉर व्लॉग यूट्यूब चैनल ओपन किया, तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और व्लॉगिंग के साथ साथ मैंने ये इसी पे ही अपने प्रोफेशनली सॉन्ग जो है वो यूट्यूब पर डालने अपलोड करने शुरू किए। काफ़ी चीज़ों को जूझ के यहाँ तक पहुँचा हूँ और इसमें थैंक्स है आप सभी का, धन्यवाद है आप सभी का कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत बख्शी और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो ये मेरी कहानी थी भाई, जो मैंने छोटी सी कम शब्दों में बतानी उचित समझी। तो अब मम्मी पापा आ जाए तो उनको ये पेमेंट सौंप देता हूँ और फिर अपना फ्री हो जाता हूँ और इसी के साथ फिर कहीं और व्लॉगिंग के लिए निकल पड़ेंगे। तो इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं मम्मी पापा से। तो साथियों वो घड़ी आ चुकी है, बिकॉज़ मम्मी पापा उधर गए थे जिधर हमारी दूसरी चिनाई चल रही थी, तो लगभग वो कम्प्लीट हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए उधर बैठ जाते हैं। और अब ये मान सम्मान और ये पैसे जो यूट्यूब से आप लोगों की बदौलत मुझे मिले हैं, वो देने और वो उनको समर्पित करने अब चल रहे बाहर। आइए। हेलो मम्मी पापा, ये मेरे यूट्यूब की कमाई है, पहली आई है इस बार, और ये मिठाई का डिब्बा। ले गुंजन किट्टो खाओ, मिठाई लो बेटा, हाथ में ले लो, बिल्कुल ऐसे मुंह ही खोल ली, किट्टो को भी दे दो। तो चलिए भाई लोगों, मैंने तो अपना काम कर दिया है और ये जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया था ये मैंने इन तक पहुंचा दिया है। और इस वीडियो को देख के आप भी प्यारे से कमेंट करना और बताना कि क्या सही था क्या गलत था और आगे मुझे कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें आप मुझे सजेस्ट करना, बाकी मैं जैसा कैसा करता हूँ वो आप लोगों के साथ।